परिचय। आज रविवार की सुबह है। कमल ध्यानपूर्वक अपनी माँ को देख रहा है। उसकी माँ पानी की एक बाल्टी में थोड़ा सा सफेद रंग का द्रव डाल रही हैं। उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा, माँ ये सफेद रंग का द्रव क्या है? बेटे ये एक विसंक्रामक है। और आप इसे पानी की बाल्टी में क्यों डाल रही हैं? क्योंकि विसंक्रामक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों को मारता है और उनकी वृद्धि को रोकता है। फर्श और प्रसाधनों को संक्रमण से बचाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। माँ क्या हम इसका प्रयोग सीधे घावों पर कर सकते हैं? नहीं बेटा, हम विसंक्रामक को सीधे घावों पर नहीं लगा सकते, लेकिन यदि हम विसंक्रामक के बहुत निम्न सांद्रता वाले विलयन का प्रयोग करें तो हम इसे एक एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ मैं इसके बारे में और अधिक जानना चाहता हूँ। अच्छा बेटा, आज मैं तुम्हें इसके बारे में और अधिक जानकारी दूंगी। छात्रों, आज हम इसके बारे में अपने अध्याय दैनिक जीवन में रसायन इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। उद्देश्य, इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। औषध को परिभाषित व वर्गीकृत करना, औषध अभिकल्पन के बारे में जानना, विभिन्न वर्गों की औषधि की चिकित्सीय क्रिया का विश्लेषण करना, भोजन में मौजूद रसायनों से परिचय, कृत्रिम मधुरकों को समझना, खाद्य पदार्थ परिरक्षकों की व्याख्या करना, साबुन और अपमार्जकों को परिभाषित व वर्गीकृत करना। दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिक। दैनिक जीवन में रासायनिक यौगिकों का प्रयोग कई उपयोगी कार्यों में किया जाता है। उदाहरण के लिए, चाय को मीठा बनाने के लिए चीनी, धोने और नहाने के लिए साबुन आदि का इस्तेमाल। ये मनुष्यों और आवास के अस्तित्व को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त कृषि, वस्त्र, दवाओं, फोटोग्राफी आदि में अनेक यौगिकों का अनुप्रयोग होता है। इस प्रकार रसायन हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ कई जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औषध, रोगों के उपचार तथा दर्द की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ दवाएं या औषध कहलाते हैं। दवाओं के रूप में कुछ रासायनिक यौगिकों के उपयोग ने कई तरीकों से मानवता की सहायता की है। रोगों के उपचार, दर्द की पीड़ा को कम करने और जनसंख्या विस्फोट को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का उपयोग किया जाता है। उन्होंने मनुष्य के औसत जीवन काल में वृद्धि की है और एक आरामदायक जीवन जीने में उसकी सहायता की है। जीवाणुओं के आक्रमण से उत्पन्न रोगों का रासायनिक यौगिकों द्वारा उपचार, जो होस्ट के ऊतकों को बिना प्रभावित किए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, रसायन चिकित्सा कहलाता है। उपचार के लिए प्रयुक्त रसायन रसायन चिकित्सकीय एजेंट यानी अभिकर्ता कहलाते हैं। औषध का वर्गीकरण, औषधों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। भेषज गुण विज्ञानीय यानी फार्माकोलॉजिकल प्रभाव के आधार पर औषधों को हमारे शरीर पर उनके भेषज गुणज विज्ञानीय प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, ज्वर नाशी औषध ज्वर वाले शरीर का ताप कम करती है, जबकि पूतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक औषध सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकती है। विशेष रूप से
जैव रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर। कुछ दवाएं जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं, उदाहरणार्थ एंटीहिस्टामिन दवाएं। हिस्टामिन की क्रिया जिसके कारण शरीर में सूजन आती है इसको दबाती हैं। रासायनिक प्रकृति के आधार पर। कुछ औषधों का शरीर पर प्रभाव उनकी संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर होता है, उदाहरण के लिए सल्फा औषध अपनी संरचना के कारण सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणुओं के वर्धन को बढ़ा सकती है, इसलिए उनका प्रति जीवाणुओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। लक्ष्य अणुओं के आधार पर। वे लक्ष्य अणुओं जैसे एंजाइम, कोशिका ग्राहियों, वृहदाणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिडों और न्यूक्लिक अम्लों पर आधारित होती है। औषध अभिकल्पन। किसी औषध की अभिकल्पना के दो प्रमुख विचार हैं, औषध लक्ष्य और औषध उपापचय। औषध लक्ष्य। औषध सामान्यता जैविक वृहदाणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिडों और न्यूक्लिक अम्लों के साथ अन्योन्य क्रिया करती है। ये जैविक वृहदाणु लक्ष्य कहलाते हैं। सही औषध लक्ष्य का चयन एक औषध के अच्छे चिकित्सकीय प्रभावों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण है। औषध उपापचय। जब कोई औषध शरीर के माध्यम से दी जाती है तो ये शरीर से होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। एक औषध को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि ये मध्य में उपापचयित हुए बिना लक्ष्य तक पहुंच जाए। साथ ही ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि औषध को लेने के बाद औषध और इसके जल विलय उत्पाद जिन्हें उपापचय कहते हैं शरीर को क्षति पहुंचाए बिना मूत्र, मल, सांस द्वारा छोड़ी गई वायु, लार और पसीने के माध्यम से उत्सर्जित हो जाएं। औषध लक्ष्य अन्योन्य क्रिया। एक जैविक लक्ष्य एक जैव बहुलक होता है जिसके क्रियाकलाप को बाह्य उद्दीपन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ये वृहदाणु शरीर में विभिन्न कार्यों का निष्पादन करते हैं। वे प्रोटीन जो शरीर में जैविक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं एंजाइम कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो शरीर में संचार प्रणाली के लिए निर्णायक हैं ग्राही कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो ध्रुवीय अणुओं को कोशिका कला के आर पार ले जाते हैं वाहक प्रोटीन कहलाते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में कोशिका की सांकेतिक आनुवंशिक जानकारी होती है। एंजाइम औषध लक्ष्य की तरह। जैविक लक्ष्य अधिकांशतः प्रोटीन होते हैं जैसे एंजाइम, क्योंकि लगभग सभी जैविक अभिक्रियाएं एंजाइमों के उत्प्रेरकीय प्रभाव में संपन्न होती हैं। उनके उत्प्रेरकीय क्रियाकलाप में एंजाइम दो महत्वपूर्ण कार्य करता है। एंजाइम क्रियाधार को सक्रिय सतह पर एक ऐसी स्थिति में थामे रखता है जिस पर अभिक्रियक द्वारा आसानी से और कुशलतापूर्वक आक्रमण हो सके। एंजाइम प्राकार्यात्मक समूह प्रदान करता है जो क्रियाधार पर आक्रमण करेगा और जैव रासायनिक अभिक्रिया संचालित करेगा। औषध एंजाइम द्वारा मध्यस्थ अभिक्रियाओं के वेग में वृद्धि या ह्रास कर सकती है। संदमन। एंजाइम संदमन औषध क्रिया का सामान्य तरीका है। गैर विशिष्ट संदमन। कई औषध प्रोटीन को विकृत करने में सक्षम है। ये औषध किसी एंजाइम की तृतीयक संरचना को बदल देती हैं और इस प्रकार इसकी क्रिया
संदमित हो जाती है। उदाहरण के लिए अत्यधिक धात्विक लवण, अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल गैर विशिष्ट रूप से एंजाइमों को संदमित करते हैं। विशिष्ट संदमन। कई औषध बिना दूसरे एंजाइमों को प्रभावित किए हुए एक विशिष्ट एंजाइम को संदमित करते हैं। विशिष्ट एंजाइम दो प्रकार के हो सकते हैं। स्पर्धी। औषध एंजाइम की सक्रिय सतह पर संयोजन के लिए वास्तविक क्रियाधार से स्पर्धा करती है। अस्पर्धी। कुछ औषध एंजाइम की सक्रिय सतह से आबद्ध नहीं होती है, लेकिन एंजाइम की भिन्न सतह से आबद्ध होती है, जिसे एलोस्टेरिक सतह कहते हैं। एलोस्टेरिक सतह पर संदमक का ये संयोजन सक्रिय सतह की आकृति को इस प्रकार बदल देता है कि क्रियाधार इसे पहचान नहीं पाता, और इस तरह एंजाइम अपना उत्प्रेरकीय गुण खो देता है। ग्राही औषध लक्ष्य की तरह। ग्राही वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर में अपने स्वयं के रासायनिक संदेशवाहकों जैसे हार्मोन और तंत्रिकीय संचारकों को पहचान कर प्रतिक्रिया करते हैं। ग्राही प्रोटीन कोशिका की सतह के दोनों ओर या प्रेरक कोशिका के भीतर स्थित होते हैं। शरीर में दो तंत्रिका कोशिकाओं और तंत्र कोशिकाओं एवं पेशी के मध्य संदेश का संचार रासायनिक संदेशवाहकों द्वारा होता है, जो ग्राही की बंधनी सतह पर ग्रहण किए जाते हैं। संदेशवाहक को समायोजित करने के लिए ग्राही के आकार में परिवर्तन होता है, इससे संदेश कोशिका में पहुंच जाता है। इस प्रकार ग्राही दो प्रमुख कार्य करते हैं। संदेशवाहक अणु की पहचान, संकेत का एक प्रतिक्रिया में पारगमन। शरीर में अत्यधिक संख्या में अनेक प्रकार के ग्राही होते हैं, जो अलग अलग रासायनिक संदेशवाहकों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। ये ग्राही रासायनिक संवाहकों में से एक के मुकाबले दूसरे के प्रति चयनात्मकता दिखाते हैं। एगोनिस्ट एक ऐसी औषध है जो एक उद्दीपन प्रकार वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। ये प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही सतह को सक्रिय कर देती है और इस प्रकार एक प्रतिक्रिया शुरू होने में सक्षम हो जाती है। एंटागोनिस्ट एक एंटागोनिस्ट औषध ग्राही सतह से अन्योन्य क्रिया करके उस ग्राही के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर देती है। विभिन्न वर्गों की औषधों के चिकित्सीय प्रभाव। अब हम कुछ वर्गों की औषध के चिकित्सीय प्रभाव पर विचार विमर्श करेंगे। प्रति अम्ल। भोजन के पाचन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए अमाशय में अम्लीय पीएच आवश्यक है, लेकिन अमाशय में अत्यधिक अम्लता से बेचैनी, असंतोष और अमाशय का अल्सर होता है। रासायनिक पदार्थ जो अमाशय के रसों में अम्ल की अधिकता को उदासीन करते हैं और अमाशय में पीएच को उपयुक्त स्तर तक लाते हैं, प्रति अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले प्रति अम्ल हैं। प्रति हिस्टामिन। हिस्टामिन एक जहरीला एमीन है और ये शरीर के सभी ऊतकों के पास प्रोटीन के साथ पाया जाता है। सुग्राही पदार्थों की अत्यधिक संख्या एंटीजन कहलाती है, जो भोज्य उत्पादों, पराग, धूल, मनुष्य के बाल और भेड़ की ऊन से निकलते हैं, शरीर में मुक्त हिस्टामिन छोड़ते हैं
जो एलर्जी, हे फीवर और सामान्य जुकाम के लक्षण उत्पन्न करती है। प्रतिहिस्टामिन हिस्टामिन के कार्य को अवरुद्ध करके इन लक्षणों से छुटकारा दिलाती है। उदाहरण के लिए क्लोरोफेनिरामिन, ब्रोमोफेनिरामिन और सेल्डेन। प्रतिहिस्टामिन हिस्टामिन के साथ ग्राही की उस बंधनी सतह के लिए प्रतिस्पर्धा करती है जिस पर हिस्टामिन अपना प्रभाव डालती है। तंत्रकीय सक्रिय औषध। ये औषध तंत्रिका से ग्राही तक संदेश स्थानांतरण क्रियाविधि को प्रभावित करती है। प्रशांतक। ये वो औषध है जिसका उपयोग तनाव या मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। ये औषध चिंता, तनाव, क्षोभ और उत्तेजना से मुक्ति देती हैं। उदाहरण के लिए क्लोरोडाइजोपॉक्साइड और मैप्रोपमेट मंद प्रशांतक है। बारबिट्यूरिक अम्ल के व्युत्पन्न प्रशांतकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग बनाते हैं जिसे बस बिट्यूरेट्स कहते हैं। वे निद्राजनक अवस्था प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए वेरोनल और ल्यूमिनल। प्रति अवसादक। नॉर एड्रीनेलिन एक महत्वपूर्ण तंत्रिका संचारक है जो मनोदशा परिवर्तन में भूमिका निभाती है। प्रति अवसादक औषध नॉर एड्रीनेलिन का निम्नीकरण उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम को संतमित करती है। उदाहरण के लिए इप्रोनाइजिड और फिनलजिन। इक्वेनिल अवसाद और अति तनाव दोनों को नियंत्रित करता है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले आइए देखें कि आपने कितना सीखा। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। पीड़ा हारी। पीड़ा दूर करने के लिए प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ पीड़ाहारी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एस्पिरिन और एनल्जीन। वे पीड़ा और ज्वर से तुरंत आराम देती हैं। एस्पिरिन का उपयोग दिल के दौरे की रोकथाम में किया जाता है क्योंकि इसमें रक्त का थक्का न बनने का प्रभाव होता है। कुछ नार्कोटिक्स जैसे मॉर्फीन, कोडीन, पेथिडीन, हाइड्रोक्लोराइड, मेथाडोन और हेरोइन भी पीड़ाहारी के रूप में प्रयुक्त होती है। वे रोगी को पीड़ा से मुक्ति तो देती हैं, लेकिन वे केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली पर आक्रमण करती हैं और निद्रा या मूर्छा लाती हैं। अधिकांशतः ये अफीम या मैरिजुएन पादपों से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं। प्रति सूक्ष्म जैविक। ये यौगिक जीवों और मनुष्यों में संक्रमण उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को संदमित करते हैं या उन्हें मार देते हैं। सूक्ष्म जीव औषधों में जीवाणुनाशी, जीवाणु निरोधी और प्रतिजैविक शामिल हैं। प्रतिजैविक। पूर्ण या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण द्वारा प्राप्त वे पदार्थ जो कम सांद्रता में सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्राक्रमों में अवरोध उत्पन्न करके उनकी वृद्धि को संदमित करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक प्रतिजैविक द्वारा आक्रमण किए गए सूक्ष्म जीवों की पूरी रेंज स्पेक्ट्रम कहलाती है। प्रतिजैविकों को दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ये बहुत कम बीमारियों के विरुद्ध प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए पेनिसिलिन। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजीवाणु। ये सूक्ष्म जीवों की विस्तृत रेंज के विरुद्ध प्रभावी हैं। उदाहरण के लिए क्लोरैम्फेनिकोल और टेट्रासाइलिन। पूतिरोधी तथा
विसंक्रामी, रोगाणुनाशी, पूतिरोधी, रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें मारते हैं, लेकिन सजीव मानवीय ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं हैं, पूतिरोधी कहलाते हैं। पूतिरोधियों को सजीव ऊतकों पर लगाया जाता है। इन्हें घावों, व्रणों यानी अल्सरों और रोगग्रस्त त्वचा की सतह पर लगाया जाता है। साधारणतः प्रयुक्त किए जाने वाले पूतिरोधी हैं डेटॉल, बाइथायोनॉल, आयोडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड विलयन। विसंक्रामी, रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं, लेकिन मानवीय ऊतकों के लिए हानिकारक हैं, विसंक्रामी कहलाते हैं। ये पदार्थ मानवीय ऊतकों के लिए हानिकारक होते हैं। उन्हें सीधे घावों पर नहीं लगाया जा सकता। उनका प्रयोग फर्श और प्रसाधनों को विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए फिनॉल, सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन। प्रतिजनन क्षमता औषध, रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग महिलाओं में गर्भावस्था की रोकथाम करने के लिए किया जाता है। प्रतिजनन क्षमता औषध या जन्म नियंत्रण औषध कहलाती है। प्रोजेस्टेरोन सबसे सामान्य प्रोजेस्टिन है। संश्लेषित पदार्थ जैसे कि नॉर एथिंड्रोन का विकास किया गया है जो प्रोजेस्टेरोन से अधिक प्रभावशाली है। जब इसे मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है तो ये अंडोत्सर्ग को निरोधित करता है। वे अस्थायी प्रतिजनन क्षमता प्रेरित करते हैं। संश्लेषित एस्ट्रोजन का भी विकास किया गया है और प्रायः इसका उपयोग मुख से ली जाने वाली गर्भ निरोधक में प्रोजेस्टिन के साथ किया जाता है। सबसे प्रभावकारी संश्लेषित एस्ट्रोजन एक यौगिक है जिसे इथाइनिल एस्ट्रोडाइऑल कहते हैं। माइप्रस्टोन एक संश्लेषित एस्ट्रॉइड है जो प्रोजेस्टेरोन के प्रभाव को अवरुद्ध करता है और कई देशों में इसका उपयोग सुबह के बाद वाली गोली के रूप में किया जाता है। भोजन में रसायन, वे सभी रसायन जो कि खाने को सुरक्षित रखने, उनकी दिखावट, गंध, स्वाद और पोषक मूल्यों को सुधारने के लिए उनमें डाले जाते हैं, खाद्य योज्य कहलाते हैं। खाद्य योज्यों के प्रमुख वर्ग निम्नलिखित हैं: परिरक्षक, सुरुचि अभिकर्मक, पोषणज संपूरक, इमल्सीकारक, खाद्य रंजक, कृत्रिम मधुरक, प्रतिऑक्सीकारक, एंटीफोमिंग अभिकर्मक। सामान्यतः इन्हें भंडारित खाद्य पदार्थ की सुरक्षा अवधि बढ़ाने या स्वाद, शोभा या सुरुचि के लिए उपयोग में लाया जाता है। कृत्रिम मधुरक, मधुरता का संबंध स्वाद है और लगभग प्रत्येक व्यक्ति को मिठाइयां अच्छी लगती हैं। प्राकृतिक मधुरकों के रूप में मेज की चीनी, फ्रक्टोज का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, लेकिन वे हमारे कैलोरी अंतर्ग्रहण को बढ़ाते हैं और दंत क्षय को बढ़ावा देते हैं। कृत्रिम मधुरक चीनी से अधिक मीठे होते हैं और उनमें निम्न कैलोरी या अपोषक मधुरक होते हैं। एस्पार्टेम, इसका कृत्रिम मधुरक में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ये डाइपेप्टाइड का एक मेथिल एस्टर है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट से संबंधित नहीं होता है। इसका उपयोग ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में होता है। सैक्रीन, ये गैर जैव निम्नीय अपमार्जक है और मूत्र के रूप में उत्सर्जित हो जाता है।
इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है। ये अनगिनत मधुमेह रोगियों के लिए जीवन रक्षक साबित हुआ है और ये उनके लिए उपयोगी है जिन्हें कैलोरी के अंतग्रहण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। सुक्रालोज, ये सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। ये खाना पकाने के तापमान पर स्थायी होता है। ये कैलोरी नहीं देता है। एलिटेम, ये एस्पार्टेम से अधिक स्थायी होता है। इसका प्रयोग करते समय खाद्य पदार्थ में मिठास को नियंत्रित करना कठिन होता है। एस्पार्टेम सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। सैक्रीन सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। सुक्रालोज सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा होता है। एलिटेम सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। खाद्य परिरक्षक, वे रसायन जो भंडारण के दौरान सुरुचि, रंग, रूप, रंग और आकर्षण में अवांछित बदलावों की रोकथाम करते हैं, परिरक्षक कहलाते हैं। वे इन परिवर्तनों में विलंब करके सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से होने वाली खाद्य पदार्थों की खराबी को रोकते हैं। परिरक्षकों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रथम वर्ग के परिरक्षक, इसमें खाने का नमक, चीनी और वनस्पति तेल शामिल हैं। द्वितीय वर्ग के परिरक्षक, इसमें सोडियम बेंजोएट, सार्बिक अम्ल और प्रोपेनाइक अम्ल के लवण शामिल हैं। साबुन, वे दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टियरिक, ओलिक तथा पोमेटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं। अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। साबुन निकालने के पश्चात बचे हुए विलयन को स्पेंटलाई कहते हैं, जिसमें ग्लिसरॉल होता है, जिसे प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम साबुन जल में विलय होते हैं और उनका उपयोग सफाई कार्यों में होता है। पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं, इसलिए उनका उपयोग स्नान करने वाले साबुनों के रूप में किया जाता है। इन्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रयोग करके बनाया जाता है। साबुन के प्रकार, घटकों के आधार पर साबुन कई प्रकार के होते हैं। प्रसाधन साबुन, इन्हें उत्तम प्रकार के वसा एवं तेलों से बनाया जाता है तथा क्षार के आधिक्य को निकालने का ध्यान रखा जाता है। इन्हें अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग और सुगंध मिलाए जाते हैं। पारदर्शी साबुन, इन साबुन को एथेनॉल में घोलकर और फिर विलायक के आधिक्य को वाष्पित करके बनाया जाता है। पारदर्शी साबुन प्राप्त करने के लिए ग्लिसरॉल भी मिलाया जा सकता है। इन्हें शुष्क त्वचा के लिए उपयोग में लाया जाता है। औषध साबुन, पूतिरोधी गुण डालने के लिए साबुन में बाइथियोनॉल मिलाया जाता है। कुछ साबुनों में डियोडरेंट मिलाए जाते हैं। दाढ़ी बनाने वाले साबुन, रोजिन नामक गोंद दाढ़ी बनाने वाली साबुन में डाली जाती है जो सोडियम रोजिनेट बनाता है, जो अच्छी तरह से झाग बनाता है। जल्दी सूखने से बचाने के लिए इनमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। धुलाई के साबुन, इनमें सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स और सोडियम कार्बोनेट जैसे पूरक होते हैं। साबुन की छीलन, इन्हें पिघले हुए साबुन की परत एक ठंडे सिलेंडर पर चढ़ाकर
उसे टूटे हुए टुकड़ों में खुरच लिया जाता है। दानेदार साबुन, ये सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के बुलबुले होते हैं। अपमार्जक, वे सल्फ्यूरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, उदाहरण के लिए सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। अपमार्जकों के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं, वे कठोर जल के साथ भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं, वे साबुनों की अपेक्षा अधिक प्रभावी हैं, वे अम्लीय जल के साथ भी कार्य कर सकते हैं, वे ऊनी वस्त्रों के साथ भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं। साबुन रहित अपमार्जक, वे सफाई अभिकर्मक जिनमें साबुन के सभी गुण तो होते हैं लेकिन उनमें कोई साबुन नहीं होता है। वे कठोर जल, अम्लीय जल, मिनरल वाटर और बर्फीले जल के साथ भी अच्छी तरह से कार्य करते हैं। अपमार्जकों के प्रकार, ऋणायनी अपमार्जक, लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहलों को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराने से उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं और अंत में एल्किल सल्फेट को क्षार से उदासीन करने पर लवण बनते हैं। घरेलू अपमार्जकों में आजकल अधिकता से उपयोग होने वाला एकल ऋणायनी अपमार्जक एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है। वे अम्लीय विलयनों में प्रभावी हैं। इन्हें टूथपेस्टों में भी प्रयोग किया जाता है। धनायनी अपमार्जक, ये मुख्यतः चतुष्क अमोनियम लवण के एसीटेट, क्लोराइड या ब्रोमाइड होते हैं। वे अपेक्षाकृत महंगे होते हैं, इसलिए इन्हें जीवाणुनाशक के रूप में सीमित सीमा तक प्रयोग में लाया जाता है, उदाहरण के लिए सेटिल ट्राईमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। अनायनिक अपमार्जक, ये पॉलीएथिलीन ग्लाइकॉल और स्टेरिक अम्ल के मध्य अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित उच्च आणविक द्रव्यमान वाले एस्टर होते हैं। कुछ बर्तन धोने के उपयोग में आने वाले द्रव अपमार्जक अनायनिक प्रकार के होते हैं। क्या आप जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि विश्व की 80% आबादी शाकीय औषध प्रयोग करती है। आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त 7000 यौगिक पादपों से लिए जाते हैं। मानव शरीर में लगभग 96,000 किलोमीटर रुधिर वाहिकाएं हैं। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। रोगों के उपचार तथा दर्द की पीड़ा को कम करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ दवाएं या औषध कहलाते हैं। औषध सामान्यतः जैविक वृद्धिरणुओं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिडों और न्यूक्लिक अम्लों के साथ अन्योन्य क्रिया करती हैं। ये जैविक वृद्धिरणु लक्ष्य कहलाते हैं। वे प्रोटीन जो शरीर में जैविक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं एंजाइम कहलाते हैं। ग्राही वे प्रोटीन होते हैं जो शरीर में अपने स्वयं के रासायनिक संदेशवाहकों जैसे हार्मोन और तंत्रकीय संचारकों को पहचान कर प्रतिक्रिया करते हैं। एक एंटागोनिस्ट औषध ग्राही सतह से अन्योन्य क्रिया करके उस ग्राही के लिए प्राकृतिक प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर देती है। रासायनिक पदार्थ जो आमाशय के रसों में अम्ल की अधिकता को उदासीन करते हैं और आमाशय में पीएच को उपयुक्त स्तर तक लाते हैं प्रति अम्ल कहलाते हैं। प्रशांतक वे औषध हैं जिनका उपयोग तनाव या मानसिक बीमारियों के उपचार में किया जाता है। वे दीर्घ श्रृंखला वाले वसा अम्लों जैसे कि स्टियरिक, ओलिक तथा पोमेटिक अम्लों के सोडियम अथवा
पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करके बनाए जाते हैं।